हाँ, लेकिन लेकिन एक और सवाल है मेरे पास कि मुबशर लुकमान मुबशर लुकमान एक सीनियर एंकर हैं, आप लोग जानते ही हैं, और उन्होंने अपने एक व्लॉग में कहा कि ये मैच फाइनल जो था ये फिक्स था, विराट के आउट होने के दो ओवर पहले ही उनको पता चल गया था कि ये आउट हो जाएगा, सही है, और उनको किसी ने मैसेज करके बताया था, ये उन्होंने अपने व्लॉग में कहा, सही है। तो ये बताएं कि ये क्या बात थी, इनको दो दिन पहले क्यों ये पता नहीं चला? सही, दो दिन पहले छक्का फिक्स हो सकता है? मैं एक सवाल है, छक्का नहीं हो सकता भाई, तुम जब एक ये क्रिकेट, मैं क्रिकेट ही की बात कर रहा हूँ ना, छक्का चौका ये फिक्स हो ही नहीं सकता, सही, ठीक है, नो बॉल कर सकते हैं, ये आपने देख लिया बस, पॉइंट फिक्सिंग नो बॉल हो गई, तो वो कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए फिक्स था। हाँ, तो बात ये कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में, उनके कमेंट पे तो नहीं जा रहा, हमारे पाकिस्तान में तो ये चल रहा था कि इंडिया ने वर्ल्ड कप पहले से खरीदा हुआ, पिच फिक्सिंग मैच कैसे हार गया, हर आदमी ने इस वर्ल्ड कप में, हर किसी का काम होता है ना, ये काम कर रहा हूँ आपको आता होगा, हाँ ठीक है, हर आदमी ने अपनी छत पर DRS सिस्टम लगवा लिए थे कि वो DRS ठीक काम नहीं करता जब इंडियन बॉलर बोल कर। अच्छा, हमारे जो क्या एक्सपर्टीज है उनकी DRS, हमारे क्या जानते हैं वो पुराने, वो हमें ना टीचर है हसन रजा का, तो बताते वो जो लाइट है बॉल में डिवाइस लगी हुई, शाम ही इंडिया को दूसरी बॉल मिल रही है, वो हिल रहा है, क्या हिल रहा है, किसका हिल रहा है, किसका पकड़ के हिलाते हो भाई, क्रिकेट की बात करो, नॉनसेंस और स्टुपिडिटी को खत्म करो, सही। और भाई ये सोशल मीडिया पे अब प्लेयर नहीं बनते, अब कम से कम लोग इतना देखने लगे, आपकी टीम की बात करें, आपकी टीम और ये लड़के, इनका नेक्सस टोटली एक्सपोज हुआ इस वर्ल्ड कप में, कि इनमें तो एबिलिटी ही नहीं थी, इनमें तो स्किल्स ही नहीं थी, अरे तुम घोड़े को इंजेक्शन लगा के चाह रहे हो वो गधा बन जाए तो नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। देखिए मैं आपको सच बात बताऊं, हम तो करते हैं एनालिसिस वो वाले जो जिसके पॉजिटिव्स हो, सही है। पॉजिटिव्स क्या है कि ये टीम गिर गई, इसका मतलब है गिरी हुई परफॉर्मेंस तो गिरेगी, हमने थोड़ी गिराई है, अबे मैंने ना बैट पकड़ा, ना किसी का हाथ पकड़ा, ना किसी के हाथ पांव जोड़े के यार भागे, हमने तो कुछ भी नहीं किया ना, बल्कि उल्टा अब सब लोग हमारा मरने के चक्करों में लगे हैं, अबे ये ठीक कह रहे थे, अबे ये ठीक कह रहे थे, तो भाई ठीक इसलिए कह रहे थे, इसको कभी सुनते हैं ये जो बातें कर रहे हैं, 2.5 साल से हम बता रहे थे, स्किल लेवल, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स बताया, किसी की जबान पे एक वर्ड नहीं था, मैंने कहा बाबर इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन क्यों वो कोई चांस ही नहीं लेता, एक होता है स्किल लेवल, रेंज ऑफ स्ट्रोक्स, ये कौन मारेगा बल्ला गोल के, गोल के मारेगा, ऐसे तो मैं भी रोकता रहूं सीधी पिच, अबे दुनिया दुनिया जो थी वो लगी हुई थी कि भाई हमारे लड़के 15 क्या होंगे और हमारे रिजर्व में 3-18 क्या होंगे, अच्छा 18 में ये लेके गए रेजगारी, जमान तू भी चल, अबरार तू भी चल, और तीसरा एक रेजगारी नहीं थी यार, एक शाहीन को खुद करने का था जमान, एक हारिस था ताकि रिजवान सुकून में रहे, क्योंकि हारिस रिजवान और बाबर की तारीफें करके मसला ये है कि इनके दरवाजे तक आए, मसला मसला जो असल आता है ना वो कहाँ आता है, वजह ये आती है कि यार हम तो वो हैं जो लोगों को समझते हैं कि यार ये क्रिकेट की बजा रहे हैं, नहीं हम क्रिकेट की नहीं, हम इन लड़कों की टांगे दिखा रहे हैं कि भाई इनकी टांगे 50 ओवर वाली नहीं है जो लेके जा रहे हैं, हमने जो टांगे दिखाई थी सही परफॉर्मेंस बताई थी इनकी, ठीक है कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो बड़े बड़े परफॉर्मेंस देकर आया हो, ये फारिक टांगे ही जलील करा देंगे आपको, इतने प्यार से उर्वशी यही हमने ऑफियत में यार पन्नी पहन पहन के 7 मिनट तक देखी इन्होंने, वो गोल्ड लीफ की पन्नी पहन के खड़ी हो गई, वो उस तस्वीर को देखते ट्रॉफी नहीं नहीं मसला मैं अरे नहीं ना मैंने उस ट्रॉफी के साथ जब बबूमा को खड़ा किया तो ट्रॉफी ऊपर थी बबूमा नीचे था, मैं ये सोच रहा था कि अगर बबूमा को उठानी पड़ जाएगी तो वो ट्रॉफी छोड़ के उर्वशी ने उठा लेगा, वो गोल्ड लीफ की पन्नी पहन के खड़ी हो गई, हवा चल रही है ना पन्नी उड़ रही है ना कुछ हो रहा है, तो मैं तस्वीर में ये देख रहा था वो पन्नी नहीं नहीं वो इसलिए कि भाई आपको ट्रॉफी के साथ भी कुछ मिलता है ना, हाँ नहीं है ना, अब ये आपकी जॉब के ये पैसे हैं बेनिफिट भी हैं, अब वो बेनिफिट में हो सकता है, इतनी डेडिकेशन इतना पैशन नहीं था कि वो बेचारी ट्रॉफी लेके खड़ी है तो हम भी, मुझे मैं ट्रॉफी को उठाने नहीं, आप मुझे तो इन्होंने देख लिया कि 7 मिनट तक मैं ट्रॉफी लेके ट्रॉफी नहीं देख रहा और वैसे देख रहा हूँ, वो तो नसीम शाह आधे घंटे तक सेल्फी के लिए खड़ा रहा वहां पे पीछे उर्वशी कैमरा लिए खड़ी हुआ, आधा घंटा हो गया सेल्फी नहीं हो रही, अच्छा क्या करेगा वो बेचारा छोटा बच्चा है, इतनी बदकिस्मत लड़की है उर्वशी, मैं आपको बताऊं पहले लगी ऋषभ पंत के पीछे, ठीक है ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हो गया, फिर लगी नसीम के पीछे, नसीम जब बबूमा ने कहा ना कि ट्रॉफी तो मैं लेके जाऊंगा तो उर्वशी समझ गई ट्रॉफी नहीं हो गया मुझे ले जाएगा तो उसने फिर साउथ अफ्रीका के लिए बद्दुआ अगर बबूमा क्योंकि सारे कप्तानों में छोटा था बेचारा, सही सही सही, वो इस वजह से रह गया, ये हुआ इसके साथ बच्चा, वो पी रहा है वो मिल्क पी रहा है, बड़ा हो जाएगा। थैंक्स।
दूध जलेबी का क्या सीन है, क्या होता है इससे भाई? नहीं, दूध जलेबी खाने से मेरा सवाल रहता है कि क्या दूध जलेबी खाने से कुछ होता है या ऐसी? अच्छा वो ऐसी बात है, अच्छा वो इस शो से पहले दूध जलेबी खा के नहीं आया, वरना सवाल बड़े लाता है। ताकतवर सवाल।